नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मेजबान भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का आगाज शुक्रवार से होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है। इसके लिए भारत और वेस्टइंडीज दोनों ही टीमें मंगलवार को हैदराबाद पहुंच गई। भारतीय क्रिकेट टीम 50 साल से अधिक उम्र के विश्व कप में हिस्सा लेगी। इस टूर्नामेंट का आयोजन अगले साल 11 से 24 मार्च के बीच दक्षिण अफ्रीका में होना है। भारत की कप्तानी शैलेंद्र सिंह को सौंपी गई है। वेस्टइंडीज, नामिया और जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में डेब्यू कर रहे हैं। आईसीसी विश्व कप के बाद टीम इंडिया से भाग हुए ऑलराउंडर विजय शंकर के लिए अच्छी खबर है। विजय शंकर को रणजी ट्रॉफी के आगामी सीजन के लिए तमिलनाडु टीम का कप्तान बनाया गया है। बाबा अपराजित टीम के उपकप्तान बनाए गए हैं। मेजबान न्यूजीलैंड के कप्तान कैन विलियम्स और रॉस टेलर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन शानदार शतक जमाए। कैन विलियम्स ने 104 और रॉस टेलर ने 105 रन की नाबाद पारी खेली। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण के लिए होने वाली नीलामी के लिए कुल 971 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।